हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप फाइन होंगे, जाके ही होंगे, तंदुरुस्त और खुश होंगे। गाँव में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। आपने मुझे सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो पहले रफल्ड बट्टे की ना आपको कटिंग बताई थी, वो जस्ट मैंने आपको कटिंग बताई थी और ऑलरेडी तैयार किया हुआ दुपट्टा दिखाया था। आज मैं आपको रफल्ड बट्टे की जो कटिंग बता रही हूँ वो साथ कटिंग दिखाऊंगी भी, और आपके सामने रफल बट्टे की कटिंग भी करूंगी। मैं अपना एक और नया रफल बट्टा बनाने लगी हूँ, मैंने सोचा शायद आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इसको थम्स अप कर दीजिएगा और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अब मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने लेने को तो मैं खाकी कागज़ भी ले सकती थी, लेकिन ये हार्ड था, ये खादी का पेपर था, तो खादी की ब्रांड का, तो मैंने कहा ये हार्ड है, इस पर अच्छी कटिंग हो जाएगी। तो मैंने कटिंग करके इसका चौरस पीस निकाल लिया। इसको हमने, जब ये पूरा चौरस पीस है, ये मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पर दिखाना है। ये ऐसे, ये इसको फोल्ड किया ऐसे, फिर इसको फोल्ड किया ऐसे, बन गया। सो ईजी है, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ से हमने ना निशान लगाने हैं। सोल्ट से मैं पेंसिल लेके आना भूल गई हूँ, मैं अभी लेके आती हूँ, तो आपको आगे से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जब वीडियो शूट करते हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें लेके आनी होती हैं, तो इंसान भूल जाता है फ्रेम सेट करने में, ईच एंड एवरीथिंग में। तो मैं भूल गई थी, अब मैं ले आई हूँ। हमने 2 इंच का यहाँ से निशान लिया, ऐसे हमने गोल गोल 2 इंच का निशान लेते जाना है। आई होप सो को आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ से, नज़र आ रहा है। डार्क कर देती हूँ थोड़े से, ऐसे 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 और ऐसे। यहाँ से हमने इन निशान के ऊपर पे एक सर्कल बना लेना है। ये एज अ सैम्पल है, आपने जब दुपट्टा बनाना है तो ये आपने ज़्यादा लेना है, ताकि ये दुपट्टे के अंदर वाली साइड बनी होती है तो बन जाए। सैम्पल के तौर पे मैंने बनाया है इसको। अब ये 6, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से भी 6 लिया, यहाँ से भी 6 लिया, यहाँ से भी 6 लिया, सॉरी, दिस वन 6 एंड दिस वन इज 6, 6 6। अब ये 6 6 को मैंने निशानों पे आपस में मिलाते जाना है। ये सारे आपस में मिला के ये एक हमारे पास सर्कल आ जाता है। यहाँ से हमने सीजर ली, सीजर लेके हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। बाहर वाला सर्कल कटिंग हो गया, अब अंदर वाला सर्कल कटिंग करेंगे हम। मैं खुद भी आ सकती हूँ सामने, मैंने कहा पहले आपको, जब कटिंग करता होता है ना, इंसान का फोकस कटिंग पे होना चाहिए, फिर इंसान का अपने ऊपर फोकस होता है कि इंसान कैसा आ रहा है कैमरे में, कैसा नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया, ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया है। ये सर्कल है पूरा गोल सर्कल, ये देखें आ गया हमारे पास पूरा गोल सर्कल, नज़र आ गया आप लोगों को, ये पूरा गोल सर्कल है। अब हमने इसकी ना एक साइड पे कटिंग कर लेनी है, ये हार्ड है इसलिए मैं लेके थी, एक साइड हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे पास कटिंग वाला सर्कल आ गया। सो अब हम इसको, तो ये हमारा पैटर्न है, तो पैटर्न की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ ही आपको कटिंग करवाएं, लेकिन ये पैटर्न ज़रा बड़ा बनाना था क्योंकि हमें बड़े
हमने बच्चे का तो रफल दुपट्टा बनाना नहीं है। अगर हमने बच्चे का रफल दुपट्टा बनाना हो ना, तो ये इजीली बच्चे के लिए सही है, ये बच्चे का पैटर्न बिल्कुल सही है। हमें ये 12 इंच कम से कम चाहिए, इससे ऊपर हो तो कोई बात नहीं, मतलब 14 भी कर सकते हैं। और ये वाला अंदर वाला भी, हमें जितना हमारा बड़ा होगा उतने हमारे सर्कल कम यूज़ होंगे। तो ये बच्चे का सर रफल दुपट्टा बनाने के लिए बिल्कुल अच्छा पैटर्न है। बड़े के लिए इससे हमें थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चलती हूँ अपने, आपको रफल दुपट्टे के लिए कपड़ा जो लिया है हमने। ये है हमारे रफल दुपट्टे का कपड़ा, और आप ये 6 गज भी ले सकते हैं और आप 8 गज भी ले सकते हैं। अगर बार बड़ा हो तो 6 गज लेना है तो 8 गज लेना ही हमारे पास। ये आप टिशू भी ले सकते हैं, ऑर्गेंजा भी ले सकती हैं, और शीशा मसूरी भी ले सकते हैं। जो आपको चॉइस, जो आपकी पसंद हो, वो आप उसी कलर में आप अपना रफल दुपट्टा तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सर्कल उतारना है, एक ऐसे करेंगे हम ऐसे, बस ये डबल कपड़ा है, डबल को हम डबल दो सर्कल मतलब 2 सर्कल उतार लेंगे। यहाँ से हम ऐसे लेंगे ऐसे, वैसे तो एक कपड़े में एक सर्कल ही बनता है, एक ये इसका वो जो होता है ना बर, वो ज़्यादा है तो इसलिए इसके डबल होगा। यहाँ से ऐसे किया कटिंग हमने ऐसे, ये हमारे पास चौरस डब्बा आ गया। तो हमने कटिंग करके इसको मैं आपको खुद दिखाती हूँ क्या कटिंग किया मैंने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मेरा एक पीस रह गया था, मैं आपको कटिंग करके बताने लगी हूँ। ये हमारे पास चौरस पीस दो, 2 डबल आ गए, ये डबल चौरस पीस है हमारे पास। आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा है तो इसलिए पूरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये ऐसे। अब मैं इसका सिंगल सिंगल करने लगी हूँ, सिंगल करके आपको, यहाँ से मैंने इसका सिंगल कर लिया। मैंने सिंगल करके आप उसको फोल्ड करूँगी आपके सामने। ये चौरस कपड़ा सिंगल है, अब इसकी फोल्डिंग करने लगी हूँ मैं आपके सामने। ये मैंने डबल कर लिया उसको, अब इसको फिर एक फोल्ड किया, अब ये चौरस फिर बन गए। चौरस डब्बे का फिर चौरस बना लेना है फोर फोल्डिंग करके, मतलब आप ये देखें 4 होंगे ये पूरे के पूरे। 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 4 की 4 है ना ये। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, कैसे होगी मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैं इसको सही कर रही हूँ, सही करने के बाद इसकी कटिंग होगी। ये ठीक करके मैंने वैसे रख लिया, अब मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी। ये मेजरमेंट करने के बाद इसकी कटिंग होगी इंशाल्लाह। ये देखें, उसको मैंने साइड पे किया है। अब यहाँ से गोल सर्कल के, ये पैटर्न था देते हैं हम, एक इसका पैटर्न टिश्यू का बना लेते हैं। यहाँ से लिया 3 इंच, यहाँ से भी लिया 3 इंच, ये हमारा अंदर वाला बन गया। इसको हम ड्रा करते जाएंगे गोल दायरे में, मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ।
ये ड्रा हो चुका है। अब मैं कटिंग करके बता देती हूँ आपको। पहले आई थिंक 100 के बाहर वाले भी निशान लगा लेते हैं। फिर वो यहाँ से हमारे पास कितनी लंबाई आती है, 11 इंच। सो ओके, कोई बात नहीं, 11। यहाँ भी 11 इंच, यहाँ भी 11 इंच, ये भी 11 इंच, ग्यारह इंच, ग्यारह इंच। अब ये वाला सर्कल ड्रा करना है हमने। यहाँ से इस लाइन को मिला, इस लाइन पे ऐसे, यहाँ से मैंने इधर को लाइन्स लगाई ऐसे ऐसे। ये हमारा हो गया। अब मैं इसको सर्कल को कटिंग करने लगी हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से भी हमने कटिंग कर ली। ये हमारे पास आ गया एक पैटर्न इसका। इसकी एक साइड पे हमने कटिंग कर देनी है रफल दुपट्टे के लिए। ये हो गया हमारे पास रफल दुपट्टा, रफल दुपट्टे की रफल हो गई हमारे पास। ये रफल दुपट्टे की रफल है। और इस तरह की हमने 3 सर्कल एक साइड पे और 3 सर्कल एक साइड पे। और ये थोड़ा सा छोटा है, अगर आपको छोटा लगे तो 4 4 सर्कल लगाते हैं। तो मैं अब सारे सर्कल कटिंग कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। तो यहाँ तक वीडियो आपको पता चल गई है आगे, क्योंकि मैं सारे सर्कल आपके सामने कटिंग करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ओके, ये मैंने सारे के सारे ना 8 सर्कल पूरे के पूरे काट लिए हैं। और ये सारे सर्कल हैं, ये सर्कल कटिंग हो चुका है, ये इसकी फेल बन चुकी है। ये देखें, अब मैं इसको फेंकती जाती हूँ। ये भी सर्कल है, सर्कल की कटिंग होकर दरमियान से कट लग चुका है। ये फुल फुली सर्कल है। ये देखें, ये देखें, ये सारे सर्कल मैंने 8 के 8 सर्कल काट लिए। अब मैं इनको फेंक रही हूँ। अब ये है मेरे पास फुली सर्कल। ये देखें ऐसे, ये ऐसे कटिंग हुआ ऐसे, ये फुली सर्कल है मेरे पास। अब इसकी एक साइड हमने काट लेनी है, ये वाली हमने साइड इसकी एक कटिंग की। ये हमारे पास लंबाई में अंदर वाली दुपट्टे की अंदर वाली साइड होगी, ये वाली अंदर वाली साइड हो गई है दुपट्टे की, और नीचे वाली नीचे वाली साइड हो गई। ये हमारे पास फ्रिल आ गई है दुपट्टे की। और अब हमने एक सर्कल को आगे दूसरे सर्कल के साथ अटैच करना है, ये वाली साइड। तो देखते हैं, इसकी भी हमने सर्कल के बाद कटिंग कर ली थी।
नहीं, मैं यहाँ से लेती हूँ ये वाला सर्कल के बाद कटिंग हुई सैड, और इसकी भी सैड कटिंग हो चुकी है। अब हम दोनों को, हमने इनकी सीधा और उल्टी साइड देख के, अब हमने इनको ऐसे अटैच करते जाना है, ऐसे अटैच करते जाना है, और अटैच कर लिया, और ये हमारे पास दुपट्टा बनता जाना है, ऐसे रफल दुपट्टा। अब मैं यहाँ से सिलाई लगा के आऊँगी, फिर आपको सारी सिलाई लगा के दिखाऊँगी। दोनों तरफ के मैंने चार चार सर्कल लिए हैं, दोनों तरफ के चार चार सर्कलों को मैंने सिलाई लगा लेनी है, और एक सर्कल के साथ दूसरा सर्कल अटैच करते जाना है। तो जब मैंने चारों को लगा ली, फिर एक दरमियान से सिलाई लगानी है। ये मेरा रफल दुपट्टा रेडी है, और इसकी रफल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कैसी बनी है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये ऐसे मैंने एक लेयर बनाई है, और आपने एक साइड पे सबके ना सिलाई रखनी है, एक सर्कल के साथ अगले वाला सर्कल ऐसे जोड़ते जाना है, ऐसे जोड़ जोड़ के आपने पूरे एक साइड के चार सर्कल बनाए हैं, तो अगली साइड के भी चार सर्कल बनाने हैं। तो ये दूसरे वाला सर्कल की सिलाई होगी, तो एक साइड के चार, एक साइड के चार, फिर दोनों को पकड़ के दरम्यान में से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसको हमने अब ना फिर वाली पीको करवानी है। वैसे इसकी रफल तैयार हो चुकी है, ये ऐसे बनता है रफल। मैं आपको पीको के बाद दिखाऊंगी कैसी ये रफल, पीको के बाद ना आपके पास कैसे रफल दुपट्टा आता है। तो आप इस कैमरे में ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता नहीं लगेगा, लेकिन आपने चार सर्कल एक तरफ के, चार सर्कल एक तरफ के, उनकी सिलाइयाँ एक तरफ रखनी है, उनको आपस में जोड़ लेना है। फिर आपने दरमियान से दोनों को जोड़ लेना है, जो आपने लंबी लंबी दो लेयर्स बनानी है, फिर आपने उनको तार वाली पीको करवा ली। हमारे पास रेडी किया हुआ रफल दुपट्टा रेडी है, ये जो हमने किया था इसमें स्किन कलर में, और इसके साथ में रफल हमने तार वाली पीको करवाई है, और ये इसकी रफल्स आई हैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने भी रेडी करवाना है तो आप मुझे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको रेडी करवा के भेज सकती हूँ आपके कौन से भी किसी भी कलर में। और अगर आपने खुद स्टिच करना है तो मेरी वीडियो देख के आप स्टिच कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।